अस्सलाम वालेकुम। कतर क्रिएटर में आप सबका स्वागत है। यदि आप कतर में रहते हैं, कतर की अहम तरीन खबरों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर नए आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलती रहे। दोस्तों, आज मैं कुछ लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ नया रूल लागू हुआ है जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। तो दोस्तों, मेरी ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखेंगे तो आपको पूरी सच्चाई पता चल जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो वर्कर काम करने वाले कतर में रहते हैं उनके लिए तो पहले से ही एक रूल लागू है दोस्तों कि 1 जून से लेकर के 15 सितंबर तक वो सुबह यानी धूप में लगभग 11 बजे से लेकर के 12 बजे से लेकर के 3-3.5 बजे तक, जब तक ठंडा ना हो जाए, जब तक काम बाहर नहीं करवा सकते हैं धूप में। तो ये एक रूल है दोस्तों, ये कतर का एक लॉ है, उसके मुताबिक ये अगर कोई भी इसको वायलेट करते हुए पाया गया तो उनको भी एक्शन लिया जा सकता है। जैसे कोई कंपनी अगर आपको छुट्टी नहीं दे रही है, आपको धूप में काम करा रही है, तो उस कंपनी को इस लीगल एक्शन के द्वारा आप उन सभी लोगों को पनिशमेंट दिया जा सकता है। दोस्तों, जो दूसरा हमारे पास अपडेट है वो ये है कि लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से एक नया रूल ये है दोस्तों कि काम करने वाले जो वर्कर हैं उनको, जो लोग पिज्ज़ा, बर्गर या डिलीवरी, हत्ता कि जितने भी सारे टू व्हीलर के डिलीवरी मैन हैं, जैसे बाइक हुआ, साइकिल हुआ, स्कूटर हुआ, टू व्हीलर कोई भी गाड़ी जिसमें एसी ना हो, कार को छोड़ करके अगर वो धूप में डिलीवरी करते हैं तो उनको भी सख्त कार्रवाई हो सकती है। वो दोस्तों 15 सितंबर से दोस्तों सुबह 10 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक कोई भी टू व्हीकल डिलीवरी मैन रोड पर नहीं दिखाई देना चाहिए, नहीं तो लेबर मिनिस्ट्री के तरफ से पनिशमेंट, लीगल पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो दोस्तों, कोई भी कंपनी अगर जो ज़बरदस्ती कर रही है किसी डिलीवरी मैन को, जो कि धूप में चलता हो, जैसे मोटरसाइकिल, बाइसाइकिल या स्कूटर, तो कार को छोड़ करके दोस्तों अगर कोई कंपनी किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती से काम करवा रही है तो दोस्तों अपना जो है शिकायत कर सकते हैं कोई भी इदारा में जा करके। तो उनके ज़रिए से, शिकायतकर्ता के ज़रिए से उस कंपनी को पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो दोस्तों, ध्यान रहे कि गर्मी का दिन है, गर्मी के दिनों में थोड़ा सा रेस्ट लेना ज़रूरी है, जो कि हर इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, ये हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए दोस्तों। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।